आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं ज़ाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ाहिद हुसैन यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम एक ही वाईफाई कनेक्शन पर या एक ही PTCL या किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर घर के सभी मोबाइल फ़ोन पर अपनी प्लेलिस्ट ओपन कर लेते हैं चैनल्स की, यानी कि अपनी वीडियोज़ चलाते हैं एक ही कनेक्शन के ऊपर, और बाकी लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पर, मतलब कि मुख्तलिफ डिवाइसिस के ऊपर हम अपने चैनल को ओपन कर लेते हैं, अपनी वीडियोस को ओपन कर लेते हैं, और इस तरह से अगर हम अपना वॉच टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं, तो क्या ये वॉच टाइम हमारा काउंट होगा? हमें मोनेटाइजेशन मिलेगी यूट्यूब की तरफ से? हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं? देखिए, इस चीज़ को आपने समझना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका किसी भी वक्त, अगर वक्ती तौर पर तो आपका वॉच टाइम काउंट हो जाएगा, लेकिन यूट्यूब का जो ऑटो सिस्टम है वो किसी भी वक्त डिटेक्ट कर लेगा और आपका वो वॉच टाइम जो है वो बीच में से उतना निकाल देगा। तो उस वक्ती तौर पर अगर आपको फ़ायदा हो भी जाए तो ये मतलब कि कोई लाइफ टाइम नहीं है, और अगर आपको मोनेटाइजेशन भी मिल जाती है उसके बाद भी अगर वो डिटेक्ट कर लेता है तो उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो वापस कैंसिल भी की जा सकती है। तो इस चीज़ का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप जब भी काम करें सर्च इंजन में काम करें और मेहनत से काम करें। मिसाल के तौर पर लोग क्या करते हैं कि जब भी चैनल बनाते हैं तो अपने दोस्तों से, घर के फ़र्द से सब्सक्राइब करवा लेते हैं। वो लोग सब्सक्राइब तो आपके चैनल को कर देते हैं लेकिन आपकी वीडियोस नहीं देखते। अब होता क्या है, जब वो सब्सक्राइब करते हैं तो उनको नोटिफिकेशन जाता है, वो वीडियोस नहीं देखते क्योंकि उन्होंने जस्ट सब्सक्राइब किया होता है, क्योंकि वो आपका चैनल जिस टॉपिक पर तारीफ आते हैं वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जब इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आपकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे, जब वीडियोज़ नहीं देखेंगे आपकी वीडियोज़ को इग्नोर करेंगे तो उससे आपके चैनल के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। YouTube ये चीज़ काउंट करेगा कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपकी वीडियोस नहीं देख रहे, तो इससे होगा ये कि आपका जो चैनल है वो सर्च इंजन में नीचे आता चला जाएगा। मतलब कि YouTube ये समझेगा कि आपकी वीडियोस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपके सब्सक्राइबर जो है वो आपकी वीडियोज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। जब भी आप काम करें कोशिश करें कि अच्छा काम करें, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने की या जल्दी से बस अपना टारगेट कम्प्लीट कर लें, ये वो चीज़ों से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आपको चाहिए कि जब भी काम करें लीगल काम करें, अच्छे तरीके से काम करें, थोड़ा लेट सही लेकिन आपका काम टोटली सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं, देखें अगर आप किसी भी मतलब कि कोई ट्रिक अपना कर या इलीगल तरीके से अगर अपने चैनल को मोनेटाइज कर भी लेते हैं तो नेक्स्ट फिर आपको अच्छे व्यूज़ नहीं मिलेंगे। जब अच्छे व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो मोनेटाइजेशन को आपने क्या करना है? अगर आपकी 7-8 महीने में भी $100 की पेमेंट ना आई तो क्या फ़ायदा? तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें, अच्छा काम करें ताकि जब आपका चैनल एक दफ़ा सर्च इंजन में उठे तो आपको खुद ब खुद सब्सक्राइब मिले, वॉच टाइम मिलते रहें, व्यूज़ मिलते रहें। 2000 व्यूज़ के ऊपर आजकल पाकिस्तान इंडिया में जो ज़्यादातर कीवर्ड्स के ऊपर CPM रेट चल रहा है, तकरीबन 2000 व्यूज़ के ऊपर $1 की अर्निंग होती है। ये कोई फिक्स रेट नहीं है, आपको एक व्यू के ऊपर $10 भी मिल सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर जो आजकल CPM रेट वगैरह चल रहा है वो 2000 व्यूज़ के ऊपर $1 है। तो अच्छे खासे व्यूज़ अगर सर्च इंजन से आएंगे तब कहीं जाकर अच्छी अर्निंग हो सकती है। ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह अपनाने से कुछ भी नहीं होता है, तो इन चीज़ों को लाजमी आपने मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है। तो जब भी काम करें अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से काम करें, अपना लीगल काम करें, खुद का कंटेंट आपका होना चाहिए। किसी की वीडियो अगर आप उठा के कर रहे हैं, कॉपीराइट कर रहे हैं या कोई भी अगर आप वायोलेशन कर रहे हैं तो वो जस्ट अपना टाइम वेस्ट करना है, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा काम कर लें, खुद का कर लें, जेन्युइन कर लें, जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो जिस चीज़ के भी आप काबिल है वो काम कर लें, लेकिन काम जो है वो आपका जेन्युइन होना चाहिए। अगर अच्छे से काम करेंगे तो फिर आप लाजमी कामयाब होंगे। इसके अलावा ये कि देखें, आप जब भी कोई वीडियो डालें तो उसकी अच्छे से SEO करें, वीडियो को अच्छी तरह से एडिट करें, ठीक है? क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर हज़ारों वीडियोज़ अपलोड हो रही होती हैं हर रोज़, तो ज़ाहिर बात है सर्च इंजन में वो वीडियो ही ऊपर आएगी। वो एक अलग बात है कि एक चैनल बड़ा चैनल है, ठीक है, तो वो बंदा जो वीडियो डाल रहा है ज़ाहिर बात है उस वो अच्छे से SEO वगैरह नहीं भी करेगा तो उसकी वीडियो ऑटोमेटिकली ऊपर आनी ही आनी है। लेकिन जब उसने स्टार्ट किया था उसने भी कुछ 10-20 लाख सब्सक्राइबर से स्टार्ट नहीं किया था, जिस दिन उसने स्टार्ट किया था उसने भी 0 से स्टार्ट किया था। तो अगर वो एक लेवल पर पहुँचा है तो किसी वजह से पहुँचा है, मेहनत करके पहुँचा है, तो वही चीज़ आप भी करें, ठीक है? तो जो लोग नए सब्सक्राइबर आते हैं, जो नए यूट्यूबर्स वगैरह आते हैं तो वो भी गरीब बात है कामयाब होते हैं। हर कोई स्टार्ट 0 से ही करता है, लेकिन अगर आप SEO अच्छी से करेंगे, टाइटल अच्छा सा दें, थंबनेल अच्छी बनाएं, वीडियो की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सबसे अहम चीज़ ये कि आजकल यूट्यूब सबसे ज़्यादा उन वीडियोज़ को सर्च इंजन में ऊपर लेके आता है जिनमें आप खुद आएँ,
जिनमें कैमरा हो। ये नहीं कि खाली अगर आप पिक्चर्स की स्लाइड्स वगैरह बना लेते हैं स्लाइड्स वगैरह के ऊपर, तो वैसे ही अब यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं देता है, उसकी वो पॉलिसी है। या अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर आप ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हैं, तो उनको ट्यूटोरियल के ऊपर मोनेटाइजेशन तो मिलती है, लेकिन वो सर्च इंजन उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। सर्च इंजन सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनको करता है, मतलब ये कि यूट्यूब में उन लोगों की वीडियो सबसे ज़्यादा ऊपर आने के चांसेस हैं जो लोग कैमरा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं कैमरे से अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप जहन में रखें और काम करें, तो इंशाल्लाह आप लाजमी कामयाब होंगे। तो ये आज की हमारी शॉर्ट वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन मौजूद है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ बार वक्त और सबसे पहले आपको मिल सकें। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।